जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर प्रारंभ करते हैं। वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थित विभिन्न 45 देवता के गुण धर्म को समझने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में हम मध्य में स्थित ब्रह्मा जो कि 9 पद का है तथा उनसे पूर्व दिशा में स्थित आर्यमा जो कि 6 पद के हैं, इनके गुणों को देख चुके हैं। उसके पश्चात अब पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं और ये जो आर्यक आर्यमा नामक देवता जो कि बाहर पैशाच वीथी में जयंत महेंद्र सूर्य सत्य भृश के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ, उसके क्रम को आरंभ करते हुए अब जयंत नामक देवता जो कि ईशान से पूर्व की ओर जब जाते हैं तो तीसरा देवता है ईश्वर पर्जन्य के बाद जयंत, उनके गुण धर्म प्रकृति को समझने का देखने का प्रयास आज के पाठ में आज की इकाई में करेंगे। इसके पहले जयंत के पहले जो देवता हैं वो ईश और पर्जन्य हैं। उनमें संकल्प का आरंभ हुआ ईश में, पर्जन्य में वरदानों की बरसात हुई, इसको बाद में देखेंगे दोनों विषय को, ईश और पर्जन्य को। उसके बाद जयंत से सांसारिक सृष्टि जो दिखने वाली सृष्टि है उसका आरंभ हुआ। उससे पहले जो ईश और पर्जन्य देवता हैं तो उससे पहले व्यक्ति की चेतना कैसी थी, तो वो शुद्ध थी, वो निर्मल थी। निर्माण हेतु उसे पदार्थ की आवश्यकता नहीं थी। जब पदार्थ आदि की सहायता से निर्माण कार्य का आरंभ हुआ तो उसे काश्यप ऋषि के माध्यम से कहा गया। जयंत का जो निघंटू है सम्रांगण सूत्रधार में वो काश्यप दिया, काश्यप ऋषि दिया। ये जो काश्यप ऋषि हैं इनको प्रजापति भी कहा है, इनको प्रजापति के समान बनवाना चाहिए आइकनोग्राफी में। इनका विवाह जो दक्ष की पुत्री है उनके साथ हुआ, पुत्रियां हैं दक्ष की, उनके साथ इनका विवाह हुआ, वो उनकी शक्ति बनी और उसी विवाह के या उसी विवाह से देव दैत्य गंधर्व यक्ष सर्प इत्यादि उत्पन्न हुए। तात्पर्य क्या है इसका कि पहले जो चेतना थी वो गुणातीत थी या सत्वगुणी थी, उसको ऐसे समझ। और फिर जैसे ही चेतना में चेतना के स्तर में गिरावट हुई, सत्वगुण से जब वो रजोगुण की ओर बढ़ने लगी तो उसे निर्माण हेतु पदार्थ की आवश्यकता हुई। उसके पहले क्या था, जब प्योर थी सतगुणी थी तब संकल्प मात्रेण सिद्ध थी, जो संकल्प करते थे वो तुरंत पूरा होता था। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में भी जो भवन जन्म कथा है तो उसमें ये बताया है कि पहले देवता और मनुष्य साथ साथ रहते थे, फिर देवताओं की अवज्ञा के फल स्वरूप मनुष्य की चेतना में गिरावट हुई और फिर उन्हें जो उनकी संकल्प शक्ति थी वो धीरे 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 क्षीण होने लगी, कम होने लगी, कमजोर होने लगी। तो उन्हें ऋतुओं का ग्रहों का नक्षत्रों का प्रभाव वो होने लगा, उसका विस्तार से वर्णन भवन जन्म कथा में दिया हुआ है। फिर उन्हें भवन की आवश्यकता महसूस हुई और वे भवन बना के रहने लगे। इसी ग्रंथ के सम्रांगण सूत्रधार के आरंभ में पहले श्लोक में ही कहा कि वो जो सर्वशक्तिमान है उसने बगैर निमित्त के, निमित्त यानी पदार्थ के, यहां निमित्त का अर्थ है पदार्थ से, जो संसार की सृष्टि की। तो यहां कश्यप ऋषि के माध्यम से यह बताया
कि जब जो चेतना है उसमें गिरावट हुई तो सृष्टि का ये जो निर्माण है जो पदार्थों से होता है वो आरंभ हुआ, और यही जो जयंत है ये आगे चल के जब और विस्तार लेगा तो महेंद्र है, सूर्य है, सत्य है, भृष है, अंतरिक्ष है, अग्नि है, इसी क्रम में इसका विस्तार होगा। जयंत को कहा, ये जो जयंत है इसको कहा कि ये धर्म का पुत्र है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब धर्म का पालन करते हुए, स्वधर्म का पालन करते हुए, अपने धर्म का, धर्म का मतलब रिलीजन मत ले लेना, धर्म का मतलब स्वभाव से, धर्म का मतलब नेचर से, धर्म का मतलब आपकी प्रकृति से, आपके प्रोफेशन से, है ना। तो जब धर्म का, इथिक्स का, नॉर्म्स का फॉलो करते हुए, उसको पालन करते हुए, इंद्रियों को वश में रखते हुए जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसको सफलता प्राप्त होती है। बताया जयंत पद में जब द्वार हो तो बहुवित्त, बहुत धन देने वाला है। तो जब व्यक्ति कार्य करता है, उसकी इंद्रियां वश में है, मन उसका वश में है, धर्म का पालन कर रहा है, इथिक्स नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, तो क्या होता है कि वो धनवान होता है। ये बाय प्रोडक्ट, जब व्यक्ति अपने कार्य को करता है तो जो उसके परिणाम है वो उसको स्वतः ही प्राप्त होते हैं। इसलिए शास्त्र में कर्म प्रधान बुद्धि का महत्व दिया गया है, अर्थ प्रधान को महत्व नहीं दिया, धर्म प्रधान को महत्व दिया कि जो आपका स्वभाव है, जो आपका स्वाभाविक कर्म है उसको आप करो। धर्म तो, धर्म का पालन करेंगे तो अर्थ तो आएगा ही, तो यश है, कीर्ति है, वैभव है, धन है, वो सब प्राप्त होगा। कब? जब आप धर्म पर आरूढ़ होकर कार्य करते हैं। चार पुरुषार्थ बताए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले धर्म बताया कि धर्म को पकड़कर, धर्म का पालन करते हुए जब अर्थ को यानी धन को कमाएंगे तो उसमें संतुष्टि का भाव आएगा, फिर उससे कामनाओं की पूर्ति करना, तो फिर जो परम पुरुषार्थ है, मोक्ष है, उसकी प्राप्ति होगी। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये मानव जीवन का लक्ष्य कहो या चार पुरुषार्थ कहो, वो बताए गए हैं। तो ये जो जयंत है ये धर्म का पुत्र है। इसी जयंत को, जैसा भी कहा कि कश्यप ऋषि बताया, उसको आगे अभी और विस्तार में देखने वाले हैं, देखेंगे। कश्यप का एक अर्थ कछुआ भी होता है। तात्पर्य क्या है कछुए से कि कछुआ जो है वो अपने अंगों को, उसके जो हाथ पैर हैं, सिर है, वो एक आवरण में, खोल में उसके अंदर ढक कर रखता है, और जब उसे किसी प्रयोजन की, कार्य की आवश्यकता होती है तो उस प्रयोजन से वो अपने अंगों को बाहर निकालता है, उस खोल से, उस आवरण से बाहर निकालता है और गंतव्य तक जाता है, भोजन करना है तो भोजन करता है और फिर वापस उसी हार्ड सेल में या खोल में या आवरण में आ जाता है, सब अंगों को समेट लेता है। किसी अन्य विधा में ये कहते हैं कि साहब कछुआ लगाओ तो धन की प्राप्ति होगी, शुभ बताया। यहां हमें उस कछुए के महत्व को या रहस्य को समझना है कि जितने भी हमारे अंग हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, उनको हम स्व में, सेल्फ में, आत्मा में, दृष्टा में स्थित रखें, मन को, इंद्रियों को समेट के रखें और मन को स्व में या आत्मा में लगाएं, दृष्टा भाव से चिंतन करें, और कुछ आवश्यकता हो अपने लक्ष्य को, गोल को प्राप्त करने की, जब उससे रिलेटेड कार्य करना हो तो अपनी ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों का प्रयोग करें। तो उससे क्या होगा, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का प्रयोग किस लिए करना, केवल लक्ष्य की प्राप्ति में। विषय थोड़ा लंबा है, हल्का सा समझ लें। जैसे मान लो ये याद रखने के लिए कि हमें अपनी इंद्रियों का प्रयोग लक्ष्य प्राप्ति हेतु करना है, हमने कछुआ रखा सिंबल, वो क्या बता रहा है कि जो भी आपको कार्य करना है
और वो आपके लक्ष्य से संबंधित हो तो उस कार्य को करना है। तो एक हमने कछुआ रख दिया पलंग पे रख दिया, एक मान लो टीवी पे रख दिया, एक मान लो डाइनिंग टेबल पे रख दिया, एक मान लो मुख्य द्वार पे रख दिया। तो जो हम कार्य करें, तो मान लो कछुआ ऐसा हमसे पूछे कि क्या इससे लक्ष्य की प्राप्ति होगी जो आप कार्य कर रहे हो, तो करो। कार्य करने से तात्पर्य क्या है? ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को बाहर निकालें, उनका उपयोग करना। तो टीवी प्रोग्राम देखने बैठे, अब मान लो अच्छा वास्तु शास्त्री बनना है, अच्छा वास्तुविद बनना है, वास्तु का जानकार बनना है। तो वो कछुआ जैसे टीवी चैनल लगाई तो वो कछुआ पूछने लगा कि क्या यह ज्ञान टीवी का आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सहायक है वो प्रोग्राम, तो आप टीवी देखो अन्यथा बंद कर दो। सोने गए तो वो पूछ रहा है कि यदि आपको एनर्जाइज होना है, आप थक गए हो कार्य करके, तो इस पलंग पे आकर विश्राम करो। घर से बाहर जा रहे हैं तो जो गेट पे कछुआ है वो पूछ रहा है कि जहां जा रहे हो क्या वो जाना आपके लक्ष्य से, गोल से, टारगेट से संबंधित है, तो जाओ। तो कछुआ जो है वो हमें ये बताता है, याद दिलाता है कि हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग लक्ष्य प्राप्ति हेतु करें, तो उससे क्या होगा? हमें लक्ष्य प्राप्त होगा। और क्या होगा? हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, हमारी ऊर्जा पूरी फोकस हो जाएगी। तो ये कार्य है कछुए का, इसलिए कछुए को शुभ कहा है। और यहां जयंत पद में उसका जो अर्थ दिया, जयंत का अर्थ दिया वो काश्यप दिया, कश्यप यदि करके उसका अर्थ निकालते हैं तो कछुआ होता है, अर्थात इंद्रियों का सदुपयोग करना चाहिए। जयंत का एक अर्थ जो है वो चंद्रमा भी दिया, जयंत शब्द का अर्थ जो है वो चंद्रमा भी दिया, या ऐसा कह लो कि इंद्र का पुत्र दिया। तो जो इंद्र का पुत्र दिया, इंद्र यानी मन, इंद्र यानी इंद्रियों का स्वामी है ना, चंद्रमा दिया, तो चंद्रमा से भी जो अपन अर्थ लगाते हैं वो मन लगाते हैं, चित्त लगाते हैं। तो जब यह पद शुभ होगा, सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा, तो व्यक्ति का मन कहो, चित्त कहो, वो एकाग्र होगा, शांत होगा, प्रसन्न होगा, उत्साहित होगा। तो जब उसका मन शांत होगा, प्रसन्न होगा, उत्साहित होगा, एकाग्र होगा, तो क्या होगा? मन में जो संकल्प हुआ उस संकल्प के अनुसार वो सृष्टि हुई। तो इंद्र के पुत्र से क्या कहा? इंद्र यानी मन, और मन में हुआ संकल्प, और उसके अनुसार फिर वैसी सृष्टि हुई, वैसा कार्य हुआ, वैसा निर्माण हुआ। तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम ठान लेते हैं, जैसा हम संकल्प करते हैं, उसके अनुसार सृष्टि का आरंभ होता है, कार्य का आरंभ होता है। ये गुण किस पद का है? ये गुण जयंत पद का है। तो जयंत का संबंध मन से है, जयंत का संबंध सृष्टि से है, जयंत का संबंध संकल्प से है, मन की या चित्त की एकाग्रता से है, शांति से। तो जब जयंत का पद शुभ होगा, व्यक्ति का मन उसके वश में होगा, कंट्रोल में होगा, शांत होगा, स्थिर होगा, प्रसन्न होगा, उत्साहित होगा, एकाग्र होगा, तो इस प्रकार का मन कार्य करने में सक्षम होता है। इसको मरीचि का पुत्र भी कहा, जयंत को मरीचि का पुत्र भी कहा। मरीचि क्या है? वो जो फर्स्ट रे है या सूर्य की एक किरण है, उसको मरीचि कहते हैं। तो ये जो सृष्टि का आरंभ है उसके लिए जो पद बताया गया वो कहा जयंत का पद। फिर सृष्टि निर्माण के लिए जो कश्यप ऋषि हैं उनका विवाह किनसे हुआ? वो दक्ष की पुत्रियों से हुआ। तो कश्यप ऋषि की जो पत्नियां हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, अदिति, तीति, दनु, काष्ठा, दनायु, सिंहिका, कद्रु,
कोधा, दरा कहीं कहीं तुरा नाम भी मिलता है, प्राधा उनका कहीं कहीं प्रावा नाम भी मिलता है, विनता, सुरभि और खशा। ये जो है ये सब काश्यप ऋषि की पत्नियां हैं, स्त्री हैं, उनकी शक्ति है। तो ये पद किस प्रकार की शक्तियों से युक्त है? कश्यप ऋषि कहा तो जो ऋषि की पत्नी है वो क्या है, सबके सब शक्तियां हैं और इस पद की ऊर्जा को अभिव्यक्त करती हैं। जैसे विनता एक उनकी स्त्री है, उनका पुत्र पुष्पदंत जो कि पश्चिम दिशा में वरुण के पहले का पद है, तो इसका संबंध, जैन का संबंध किससे हुआ? वो पुष्पदंत के पद से हुआ। फिर सिंह का, ये उनकी पत्नी है कश्यप ऋषि की, तो सिंह का से जो पुत्र है उसका नाम असुर है और वरुण के जो बाद का पद है वो असुर है। तो जयंत का संबंध, काश्यप ऋषि का संबंध पुष्पदंत से भी हुआ और असुर से भी हुआ। ये जो पद है ये शक्तियों का केंद्र है। दीति है देवताओं की माता, दीति है असुरों की माता, अदिति है देवताओं की माता। तो ये जो सारी शक्तियों का जो केंद्र बिंदु है वो है जयंत का पद। इसी को मात्र शक्तियों के माध्यम से भी कहा गया। इनमें जो शक्ति है, अदिति है, दिति है, विनता है, सुरभि है, ये कैसी हैं शक्तियां? ये सौम्य शक्तियां हैं। अन्य स्त्रियां कैसी हैं? वो व्याकुलता को प्रदर्शित करती। तो इस पद के शुभ होने पर व्यक्ति का मन उसके वश में रहता है, वो जो कार्य करने का निश्चय करता है उसको पूर्ण करने में समर्थ होता है, इंद्रियों को मन को वश में करके लक्ष्य की प्राप्ति करता है। इसके फलस्वरूप वो धनवान होता है, भौतिक सुखों से युक्त होता है, उसे भूमि, भवन, वाहन, पुत्र, पौत्र आदि सबका सुख प्राप्त होता है। तो ये जो जैन का पद है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका शुभ होना, सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा जो खेल कह लो, सृष्टि कह लो, वो कहां से आरंभ होने वाली है? वो जैन से आरंभ होने वाली है। जैसा मन में संकल्प उठेगा, विचार उठेगा, जैसा लक्ष्य बनेगा, गोल बनेगा, टारगेट बनेगा, उसके अनुसार ही तो इंद्रियां अपने अपने कार्यों में लगेंगी। इस पद के अशुभ होने पर व्यक्ति का चित्त उसके वश में नहीं रहता, गलत टारगेट, गलत लक्ष्य वो निर्धारित कर लेता है। उसके फलस्वरूप उसके जीवन में भटकाव रहता है, धन का अभाव रहता है, भौतिक सुखों की कमी रहती है। तो ये जो सारा प्रसार है, प्रचार प्रसार है, फैलाव है, वो इस पद के आधार पर ही होता है। जिस दिशा में, जिस लक्ष्य में, जिस गोल या टारगेट को व्यक्ति फिक्स करता है, निर्धारित करता है, उसी दिशा में वो आगे बढ़ता है। तो ये जो जैन का पद है ये लक्ष्य निर्धारण के लिए, मन को वश में करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, इस पद का सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होना बहुत जरूरी आवश्यक है। इसी के आधार पर इसके दोष के लक्षण देखें तो इस स्थान पर दोष होने पर, यह स्थान नकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होने पर व्यक्ति का चित्त एकाग्र नहीं होता, चंचल रहता है, कार्य में भटकता रहता है, लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पाता। एक कार्य आरंभ करता है, फिर उस कार्य का आरंभ हुआ, उसके लिए सारा प्रपंच किया, साधन इकट्ठा किए, धन लगाया, ज्ञान लिया, और जब उस कार्य को आरंभ करने का समय आया तो आरंभ करते 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 उत्साह कम हो गया और शुरू कर दिया तो बस थोड़े समय बाद किसी और कार्य में मन चला गया, अब वो उधर लग गया, तो उससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, धन का नाश कह लो या धन का अभाव होता है, पुत्र पौत्र के साथ सामंजस्य नहीं हो पाता।
हेड ऑफिस और ब्रांचेस के बीच में कोई ऑफिस फैक्ट्री इंडस्ट्री है तो उनके बीच में प्रॉपर सामंजस्य नहीं हो पाता, ये इनके लक्षण है। जब जयंत पद के पद में दोष होता है तो इस प्रकार के लक्षण घटित होते हैं। इस स्थान के जयंत पद के उपयोग के संदर्भ में कहा कि इस स्थान का प्रयोग रणनीति बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना, प्लानिंग करना, योजना बनाना, उसके लिए शुभ है। मीटिंग रूम, बोर्ड रूम, प्रिंटआउट लेना, क्रिएटिव कार्य करना, उसके लिए शुभ है। ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, उसके लिए शुभ है। पुत्र पौत्र के स्थान के लिए शुभ है। पूर्वमुखी जब प्लॉट हो तो इस स्थान पर जैन के पद में द्वार बनवाने पर धन धान्य की प्राप्ति होती है। ध्यान और अध्ययन इसके लिए भी यह स्थान शुभ बताया गया है। दोष दूर करने के संदर्भ में कहा गया कि जो भी दोष है, कटा फटा, टूटा फूटा, झुका हुआ, बदबू का, है ना, कांच टूटा है, दीवार टूटी, पहले उस दोष को दूर करें, पहले उसको ठीक करें, फिर सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करने के लिए भूमि के अंदर जाती हिंगुल्य, ये खनिज है, इसको लगवाना चाहिए। भूमि के ऊपर कछुआ रखना चाहिए जो लक्ष्य की याद दिलाता रहे। भोजन में घी और मक्खन का प्रयोग करना चाहिए, घी का हवन करना चाहिए। इस प्रकार से जैन का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है। इस प्रकार से आज के पाठ में, आज की इकाई में हमने जैन पद को देखा जिसका संदर्भ सृष्टि से है, क्रिएशन से है, संकल्प से है, मन से है। तो सारा जो जीवन में लक्ष्य है, गोल है, टारगेट है, ऑफिस फैक्ट्री इंडस्ट्री है, तो जो भी हमने टारगेट है, प्लानिंग है, उसका संबंध इस जैन के पद से। इसको चंद्रमा कहा, इसको काश्यप ऋषि कहा, इसको धर्म का पुत्र कहा, इसको इंद्र का पुत्र कहा। तात्पर्य यह है कि मन को शांत करके, स्थिर करके, एकाग्र करके, शुद्ध मन से जब संकल्प लिया जाए, लक्ष्य का निर्धारण किया जाए, तो उस प्रकार के शुभ पद, शुभ फल प्राप्त होते हैं, जिसके फल स्वरूप व्यक्ति धनवान, पुत्रवान, यश और कीर्ति को प्राप्त करता है। यह जो एडवांस्ड कोर्स है, इसके अंतर्गत हम विभिन्न 45 देवताओं को देखने का प्रयास कर रहे हैं, और ये आपको सहज रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि इस पाठ्यक्रम से आपको लाभ प्राप्त होता है तो आपको दक्षिणा के फल स्वरूप कुछ करना है। हमने ब्रह्मा के पद में देखा कि मंदिर में जाना है, मंदिर में पूजा स्थल पे, और वहां 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाना है और उसको वहीं बांट देना है। आर्यमा के पद के संदर्भ में हमने देखा कि सप्ताह में एक दिन, जो भी आपको सुविधा हो, उस दिन सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्य नमस्कार करें तो बहुत अच्छा। आज का जो पद है जैन, इसके लिए भी आपको कुछ दक्षिणा कह लो, वो देना है या करना है। तो क्या करना है इसमें कि जब भी आपको पूरे दिन भर में एक मिनट का समय मान लो मिल जाए अपने लिए, स्वयं के लिए, तो अपनी सांस गिनना है। कितनी देर? एक मिनट। कैसे गिनना है? जैसी आपकी सांस चल रही है, इनहेल यानी श्वास ली पूरक, और श्वास लेने के बाद जब उसको छोड़ा रेचक एक्सहेल,
तो उसको एक गिनना, एक ऐसे एक दो तीन चार, एक मिनट में कितनी सांस ली और छोड़ी, जो ब्रीद रेट हो वो नॉर्मल हो, यानी आपके श्वास की गति को आपको देखता है कि आपकी श्वास पर मिनट कितनी चल रही है। इससे क्या पता चलेगा, इससे क्या फायदा होगा, उसको भी समझ लो। जब व्यक्ति का मन कहो चित्त कहो वो शांत एकाग्र प्रसन्न उत्साहित होता है तो उसकी श्वास की गति अलग होती है। जब क्रोध में है, आवेश में है, चिंता में है, अलग प्रकार से है, अशांत है, अस्थिर है, एकाग्र नहीं है, चंचल है, तो उसकी श्वास की गति अधिक होती है। तो नॉर्मल कितनी है, एक मिनट में 15 बार, 15, उससे कम है तो चित्त एकाग्र है, मान लो 14 है, 13 है, 12 है, 11 है, 10 है, 9 है, 8 है, तो क्या होगा, उसका चित्त ज्यादा एकाग्र है 8 वाले का। तो अभी जो हमारी ब्रीद रेट है, श्वास की जो गति है, उसको केवल गिनना है। यदि मान लो 25 से ज्यादा है तो 2 मिनट गिनो, तो जब आपका ध्यान श्वास पे जाएगा तो आपका चित्त एकाग्र हो जाएगा। अभी तो ये पढ़ाई का समय चल रहा है, ये जो माह है अभी, और बच्चे की एग्जाम वगैरह होती है इस समय, तो बच्चों को भी यदि श्वास गिनना सिखा दो तो उनका चित्त एकाग्र हो जाएगा, और एकाग्र चित्त से जब आप काम करोगे तो उसमें सफलता मिलेगी। बिखरे हुए चित्त से काम करने से सफलता नहीं मिलती, जैसे आलपिन होती है ना, तो वो पॉइंटेड है, शार्प है, तो पेज में, पेपर में वो पेनिट्रेट कर जाती है, लग जाती है। ऐसे ये जो मन है, चित्त है, ये बिखरा हुआ है तो ये कार्य करने में सक्षम नहीं है, इसके काम में दम कह लो या ताकत कह लो वो नहीं होती। यही चित्त जब एकाग्र हो जाता है तो चमत्कार करने में सक्षम है। तो आपको क्या करना है, दक्षिणा स्वरूप, कि दिन में एक बार कम से कम, अभी तो एक बार ही मान लो, 2 बार मान लो, सुबह शाम 1 मिनट के लिए अपनी श्वास गिनना है। कैसी चले, वो स्वाभाविक चले, तो स्वाभाविक सांस को केवल गिनना है, और मान लो 15-25 से ऊपर है तो उसको 2 मिनट गिन लेना है ना। तो आज इतने ही कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति, जय गुरुदेव।